भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जालंधर में विशेष प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश बग्गा और प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक फतेह जंग सिंह ने कहा कि पंजाब में मौजूदा हालात बहुत चिंताजनक बन चुके हैं। गैंगस्टर और अलगाववादी ताकतें बड़े पैमाने पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों में भय का माहौल बन गया है। फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि अमृतपाल सिंह और उनके साथियों ने हथियारों के बल पर थाने पर कब्जा कर पुलिस से मारपीट की और पंजाब में भय का माहौल बनाया। पंजाब सरकार को उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजेश बग्गा ने कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो पंजाब को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को पंजाब के व्यापारी वर्ग के साथ खड़ी है और उनके हर समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादों को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद सरकार द्वारा कल पेश किए गए बजट ने सभी पंजाबियों को निराश कर दिया है। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसी वर्ग को कुछ नहीं दिया और अपने वादे पूरे नहीं किए। एसएमजेड न्यूज के लिए जालंधर से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखो, मेरा कहना तो यह है भी चीफ मिनिस्टर साहब का एक डेकोरम होता है। चीफ मिनिस्टर कभी भी इस तरीके नाल मेरे भाई साहब इस गल का एक गवाह ने भी चीफ मिनिस्टर उदों ही बोलते हैं जो उन्होंने कुछ सवाल पूछा जाता है और इतने तो बोलते ही चीफ मिनिस्टर ने। और देखो, किसी ने कोई उन्होंने बारे माड़ी गल नहीं सी कही, सिर्फ यो गल कही सी जदों उन्होंने फिर ये कहा सारिया उंगलों करके भी आ जड़े बैठे ने, ईवन चन्नी साहब जेडे एक्स सी एम रहे ने, एक डेकोरम होंगे वो हाउस नहीं है, हाउस होंगे तो जो मर्जी अगले को एलीगेशन लाते वो जवाब देंगे उस गल का, तो तुम अक्यूज कर रहे हो विदाउट गोइंग फॉर एनी इंक्वायरी, तो सारू कह रहे भी आ फटके सारे अंदर देने ने, उसका मतलब की है? सो यदी असी कड़े शब्दों की निंदा करते हैं। कोई भी, नो वन इज अबव लॉ एंड नो वन हैज़ दिस राइट भी वो तुम दूजिया की बेइज्जती करो। सगो चीफ मिनिस्टर साहब न मैं तो समझना उन्होंने इस गल की माफ़ी मंगनी चाहिए है उस भी उन्होंने बराबर के साथी एम एल ए ने वो भी जित के आए हैं, उन्होंने अपनी गल रखने का पूरा राइट हैगा, तो जे उन्होंने कोई गल गलत की हो तो फिर वो माफ़ी मंगन, जो उन्हें की तो फिर वो माफ़ी मंग। नहीं नहीं, हमेशा टकसाली होंगे ने, नाले ये पार्टी पार्टी ने करना, पार्टी हाई कमांड ने करना, तो कैंडीडेट कमल का फुल होना बस। एक इन्हां ने कल दिल्ली गवर्नमेंट ने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी देखो ये तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बहुत वड्डा एक नैगलीजेंसी ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो जरूर कोई ना कोई जो एक्शन तो करेंगे करेंगे, ये तो उन्होंने देखना ना भी की करना। नहीं असी इस करके नहीं चुके भी उत्ते सरकार ने देखना, प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी का मुद्दा है, असी उन्होंने पोलीटिकल एवं आवाज ही दे के वो गल करिए, उदों जिन्हें किया उन्होंने सारा पता है किड़े किड़े पोलीटिकल लोग ये शामिल सके किड़े किले की होया उन्हें सब पता है, एंड दे विल बी पनिश्ड एंड फाइनली। हाँ मैं उत्थे नहीं नहीं मैं बीजेपी से, हाँ हाँ जी हाँ, वही तो कांग्रेस वाले को पूछे जाना चाहिए था उनका स्टैंड की है, नहीं मैं थोड़ा उन्होंने जगह स्टैंड दस सकता की है। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਨੀਨੀ ਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੰਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਇਜ਼ੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। देखो असी हर पार्टी अप्स एंड डाउन आते होंगे ने इस तरीके,
वी आर ट्राइंग और साड़ी ग्राउंड लेवल तक छोटी तो छोटी कमेटी बन चुकी है एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। तू देखो ये बहुत ही दूर नहीं और दो तीन महीने की सारी खेड है और आप बाय इलेक्शन तो भी तू सारा नज़र आ जाएगा भी कि पार्टी कितने कितने स्टैंड करती है। तो देखो जेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने जेकर मंग की है तो सेंटर तो हमेशा उस चीज़ को ना थोड़ा करेगा जिते क्योंकि वी आर ए बॉर्डर स्टेट। एक गल समझो G20 हो रहा सी तो कोई भी कल अनटूवर्ड इंसीडेंट हो जाए क्योंकि अजनाला होके हटिया तो प्रॉपर ख्याल तो रखना ना उस चीज़ का। नहीं नहीं राज राष्ट्रपति राज ते लागू 92 बंदे जीत के इतने पंजाब ने भेजे ने ते लॉ एंड ऑर्डर ये ते उपर ने वेखना असी कौन हो सकते हैं। हाँ जी नहीं जी नहीं की कर एक मिनट एडे तुसी समझदार प्रेस वाले हो भरा मेरे एदी एक्सप्लेनेशन ते उस दिन ही अगले दिन आ गई सी और एक्सप्लेनेशन ये भी एक बंदा जरा मालक सी उन्हें गड्डी पहले बेच दी सी किसी डीलर ने खरीदी सी डीलर ने गाह के इनू बेच दी कि मतलब पर ना कराने लई भी चढ़ाई है क्लियर है। और थैंक यू वेरी मच हुण साडा हो गया जी आओ तो चाह पीए थोड़ी हुण सानू तो वेखेगी ना अजे असीं हमेशा कहंदे आ वी नाल ही सीगे तुसीं नाल ही सीगे मुख्यमंत्री भी उन्हां दा उप मुख्यमंत्री भी उन्हां दा पूरा टब्बर रिश्तेदार जिन्ने भी सी सारे मंत्री एक भाईचारा तौर ते सी ओह सब नूं पता मीडिया नूं मेरे नालों ज्यादा पता मैनूं लगदा आपां सारे पंजाबी जाणदे आ। जनाधार देखो साडा जिहड़ा पिछली बारी 17 च वोट सी 4.9 सी ना इस बार 6.5 है वोट परसेंट साडा बद रहा आने वाले दिनों होर बदना। दूजी गल भी समस्या का हल की है यूपी का उदाहरण है एक बहुत व्डा भारतीय जनता पार्टी का उदू पहला यूपी कितने अज कि है वह कि बदौलत एक चंकी सरकार इंडिया जे दो सीटा तो देखो कितने आए हैं अज मोदी जी जिदा ग्राफ इंटरनेशनल बताया उन्होंने जिदा लोगों ने विश्वास पैदा किया इंटरनेशनल पद्धर से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़िया जे पंजाब सरकार बनती एक जिम्मेवारी बनती है उदू पहला तुम कारपोरेशन की इलैक्शन सब को पता लग जाना देखियो हालात किदा के बदलते हैं जो साडा मेयर होगा जिम्मेवार होगा तो यह करा आने वाले दिन बहुत परिवार च वाधा भी हो रहा आने वाले दिन चोर ते सामने भी शामिल हो रहे जलंधर हमला होना एक बहुत बड़ी गल है ना दुख परसों रात फोकल पॉइंट चौंक दे एक प्रवासी बंधु के उत्ते हमला होया और अगर थोड़ी सट होर लगती तो अपनी जान गुआ बैठना सी जिहड़ी गल बाघा जी ने कही है या बाजवा जी ने कही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इन्नी क माड़ी है कि डीसीपी भी कुट हो जाता जलंधर का
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮਹਿਲੇ ਕੋਠ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਤੇ ਬਦਲਣਗੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 12,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹ 30,000 ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਔਰ ਪੱਤੇ ਢਾਈ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ 50-50 ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਦੰਡ ਹੈ